हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, फाइनली रेमो का ट्रेलर आ चुका है और इसके मैं 3 गाने सुन चुका हूँ। गाइस, मुझे बहुत बहुत अच्छे लग रहे इसके गाने। और अर्जुन जनिया सर का म्यूजिक है, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया उन्होंने। और इसके अंदर ईशान है और आशिका है, इसको डायरेक्ट किया है पवन वाडेयर सर ने। और बिना किसी देरी के पहले ट्रेलर को रिएक्ट करेंगे गाइस और फिर देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। चलो। डॉक्टर पुनीत राजकुमार सर, सिंगिंग सेंसेशन मोहना। मोहना दोड्ड स्टार आगबिटल सर मोहना। ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ತೋ ಜರ್ನಿ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಇಸ್ಕಿ ಗುನ್ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು। ಗೆದ್ದು ಮೆರಿಬೇಕು। ओके ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಯಾವ ಅಲ್ಲೂ ಡಕ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಮಗಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾರಣ ಇದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇ ಭಾಯ್। ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ। ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಹಿಮ್। ರಿವೆಂಜ್ ಜನಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು। Okay, that is Remo. Remo ella matte hosdagi shuru agide anstade, in munde elanu hosdage irutte anstade। Oh, 25th of November। Okay, ओके। काफी हैवी डोज था, मतलब काफी कुछ चल रहा है ट्रेलर के अंदर। ओ, इतना तो पता चल गया था सॉन्ग्स देख के कि भाई ये पूरा का पूरा म्यूजिकल होने वाला है। दोनों ही सिंगर नजर आ रहे थे सॉन्ग्स के अंदर भी कि भाई दोनों सिंगर है। जो आशिका का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा दिख रहा था, लेकिन अब इसमें दिख रहा है कि भाई वो वहां से मतलब जर्नी शुरू करती है और एक सुपरस्टार बन जाती है। और बाकी ईशान का कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि भाई वो भी सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन ये दोनों किस टाइम लाइन में सुपरस्टार बनते हैं, मतलब पहले कौन बनता है और बाद में कौन बनता है। ऑब्वियसली रिवेंज की बात हो रही तो पहले कोई बनेगा फिर दूसरा बनेगा, और ऑब्वियसली दोनों का पहले लव स्टोरी दिखाई जाएगी और दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि भाई ये लोगों ने ये चीज़ को क्लियर नहीं रखा ट्रेलर के अंदर, वरना अगर इसको भी ये लोग क्लियर रख देते तो भाई ट्रेलर का फायदा क्या, मूवी का फायदा क्या होता, सब कुछ ट्रेलर में हो जाता। लेकिन ये चीज़ अच्छी रखी कि भाई दोनों के बीच डिफरेंसेस क्यों हुए उसका कोई रीज़न नहीं दिया है। आई थिंक वो लास्ट वाला जो सीन था जहाँ पे वो उड़ा के चला जाता है बंदे को, हो सकता है कि वो रीज़न हो, लेकिन उसमें भी पता नहीं चल रहा कि भाई ड्राइव कौन कर रहा है, कि मतलब ईशान कर रहा है कि अशिका कर रही है। अगर वो क्लियर हो जाता तो शायद काफ़ी प्लॉट इसी में नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ये क्योंकि एक म्यूजिकल है और एक लव स्टोरी है तो ऑब्वियसली थिएटर में पॉसिबल होगी, इसको बड़े स्क्रीन पे देखने लायक होगा क्योंकि इसके सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अर्जुन जनिया सर का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें नज़र भी आ रहा है और सॉन्ग्स में भी हमने देखा कि भाई काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और अगर दोनों की एक्टिंग की बात करो, जो ईशान है और आशिका की, मुझे आशिका की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब वो ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है इसके अंदर। और ईशान ने भी अच्छी मतलब अच्छा ट्राई किया है, उनकी मैंने और कोई मूवी नहीं देखी, आशिका की मैंने मूवी देखी है, वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है तो इसमें मुझे काफ़ी कन्विंसिंग सा उनका एक्टिंग भी लग रही है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि स्टोरी लव स्टोरी से शुरू होगी, दोनों में डिफरेंसेस होंगे और क्या रीज़न क्या हो सके, क्योंकि इसके अंदर और भी कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं
आई थिंक वो क्या 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 रोल प्ले करेंगे इस स्टोरी के अंदर वो देखने लायक होगा, जो कि अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश की है, बट स्टिल 2.5 मिनट का ट्रेलर था और काफ़ी कुछ रिवील हो गया ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं स्टिल एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके अंदर सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और एक लव स्टोरी है, तो मुझे भी लग रहा है कि ये म्यूजिक और म्यूजिक की वजह तो चलेगी, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग स्टोरी काफ़ी अच्छी रखेंगे तो भाई देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा गाइज ये ट्रेलर, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।